सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारे पास है पांच बाइक, तो अभी करने जा रहे हैं पेंटा बैटल। जो मेन बाइक है वो है यमहा की R15M और दूसरी है यमहा MT15 और तीसरे जो है वो है बजाज की डोमिना 250 और चौथी बाइक जो है बजाज RS 200 और जो पांचवी बाइक है वो KTM RC 200। यहाँ पे पांचों बाइकें BS6 हैं, बस एक बीच वाली बाइक 250 cc है और ये दोनों 200 cc हैं और वो दोनों 155 cc हैं। तो यहाँ पे पेंटा बैटल इन पांचों बाइक में होगा और करके देखते हैं क्या परफॉर्मेंस, क्या रिजल्ट होता है। ये एक फ्रेंडली रेस होने जा रही, कोई परफेक्शनल रेस नहीं है, तो राइडर और बाइक को लेकर जज मत करिएगा। यहाँ सबका अपना परफॉर्मेंस अलग तरीके से है और चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को करो लाइक, और कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे। और बाकी सभी राइडर हमारे सबका वेट अलग है, डिफरेंट है सबका अपना। तो चलिए फटाफट रेस करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होता है, चलिए फिर मिलते हैं आपको वीडियो में। और ये हमारे सैम ब्लॉग्स, इनको सब्सक्राइब करो भाई, और कुंदन भाई केसी ब्लॉग, और उधर हमारे निशांत भाई हैं, उनका है शैडो ब्लॉग, ऋषभ पटेल भाई जिसकी डोमिनार है ऋषभ पटेल, जाके सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डोमिनार ला गाड़ी नहीं चलाया था। अरे भैया इसका चला दे तो चला देना, बाद में कितनी देर में भी चले। अबे स्टार्ट तो होने दिया करो, ये हो क्या रहा है, थोड़ा दूर करो गाड़ी। पहले भगा दिए ये लोग, दो लोगों ने बहुत पहले भगा दी गाड़ी। क्या बोले, पेंटा बैटल के चक्कर में पहले भाग गए। देखते RS से निकलूंगा आगे।
140। सुनो तो, ये आरसी सच में अच्छी है, 142 गई है ये वाली। हाँ वो वाली बेकार थी, उसमें 150 चली गई। ये सुनो तो, 152 तो जा रही, लेकिन फिर 137 ऐसे 5 पे लौट आ रही है। ये पहले पे ही दूसरे पे, मैं जीत गया। ये दूसरे पे है, ये पहले पे है, पहले पे है, ये पहले पे, ये दूसरे पे नहीं, ये तीसरे पे आ गई। अबे भाई, चलिए राइडर चेंज करते हैं, मैं चलाऊंगा आरसी। बाकी दो भी पहले पे आर पहले हैं, सेकंड पे आरसी है, थर्ड पे आरएस, फोर्थ पे इंडियन नंबर है, ये फोर्थ पे आइए, और फिफ्थ पे आइए, ये तीसरे नंबर पे। हां डोमिनर चौथे, और तुम आखिरी फिफ्थ पे। भाई एमटी का तो ऐसे टॉप एंड कम है, कम है, टॉप एंड 137 फिर भी गई है। तो चलो आप आरसी चलाओ, क्योंकि इनका दुन का वो था ना। हाँ। मैं वो चला रहा हूँ, आरसी चला दो। तुम भाई वो चला लो एमटी। तो यहाँ पे भाई R15 विन हुई है, अब मैं चलाऊंगा R15 और निशांत भाई चलाएंगे आरएस, और कुंदन भाई आरसी, और ऋषभ भाई चलाएंगे एमटी, और सचिन भाई चलाएंगे डोमिनार, और अंकित भाई हमारे पीछे खड़े हैं 390 लेके। और तुम मत चलाना बाइक, तुम मत चलाना। आरसी को इन सब चीजों में कोई नहीं जीत सकता भाई। गियर नहीं लगा,
लिमिटर को मैं संभाला हुआ हूँ, आने नहीं दे रहा हूँ। मुझे बहुत अरे आ गया, मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा लिमिटर 138, 140, 142। लिमिटर को मुझे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा और संभाला हुआ हूँ मैं बहुत देर से। अभी लिमिटर की वजह से निकल गया है और कोई फायदा नहीं। अगर मैं खींच दूंगा ना लिमिटर आ जाएगा। ये देखिए लिमिटर की वजह से जीत गया है यार वो। कोई फायदा नहीं है। पहले नंबर पे फिर से R15 है जो कि शुभम भाई चला रहे हैं, सेकंड पे RC जो कुंदन भाई चला रहे हैं, थर्ड पे है। लिमिटर की वजह से जीत गया। वो वहीं पे है और आपने बाकी देख ही लिया उम्मीद। और तो हमारे सारे राइडर्स यहाँ पे हैं, सब अपने अपना परफॉर्मेंस अपना डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं आपस में। और R15 जीत गई है यहाँ पे। और KTM का स्पीड इसका बढ़िया जा रहा है, 142 जा रहा है, लिमिटर आ रहा है 142 पे। और बहुत ही अच्छा इस बार परफॉर्मेंस की, मतलब RC में पहली बार मैंने चलाया जो 140 प्लस गई है ये। और बाकी सारी बाइक अपने हिसाब से ठीक थी, जो रिजल्ट था आपके सामने था। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर मेरे नए सब्सक्राइब करो, कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और चलिए मिलते हैं आपसे इससे भी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राइड और ड्राइव दोनों से बाय बाय।